तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि फिर से मंडे नाइट रॉ में हमें आर रेटेड एस का रिटर्न देखने को मिलेगा। अगर रिटर्न देखने को मिलेगा तो क्या होगी इसकी डेट, तो सारी कुछ बात करेंगे इस वीडियो में डिटेल में। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बिल को भी ऑन कर दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स आपको मालूम हो कि इससे पहले वाले मंडे नाइट रॉ में हमें आर रेटेड एस का रिटर्न देखने को मिलता है, और आपको तो मालूम हो कि वो कितने विजुअल तरीके से अपना रिटर्न करते हैं। वो एक मॉन्स्टर वाला आर के दे देते हैं रैंडी ऑर्टन को, और वो ऑलमोस्ट एमवीपी को तो इंजर्ड कर ही देते हैं। तो फिर अभी रिसेंटली उन्होंने ट्विटर पे एक ट्वीट किया है, जैसा कि आप अभी इमेज में देख रहे हैं, पिकअप ट्रक इन द विंड एट द रेट पर्ल जैम क्रैंक्ड हियर आई कम हैशटैग रॉ। यानी कि जो नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ होगा वो ये बोलना चाह रहा है कि वो जो नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ होगा उसमें वो आएंगे, तो हमें नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ में आर रेटेड इस का रिटर्न देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स आप इमेजिन कीजिए कि मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि शायद मैंने हर वीडियो में आपको मैं बताया हूँ कि आर रेटेड इस को पूरे 3 साल में 24 अपीयरेंस देना है WWE में, और वो पूरे 9 मैच रिसल करेंगे, जिसमें से उनका एक ईयर में वो 3 मैच रिसल करेंगे, जिसमें से उनका 2 मैच बस अभी बाकी है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप इमेजिन कीजिए कि मतलब उनका इतना कम अपीयरेंस बाकी है और ऑलमोस्ट 2 मैच बाकी है, WWE देखिए उनको कैसे बुक करती है और कैसे इनका रिटर्न हमें देखने को मिलता है मंडे नाइट रॉ में। तो फ्रेंड्स आपको क्या लगता है कि मैंने ऊपर में एक पोल दिया है कि इस साल का रिसल में 36 होगा या नहीं, आप मुझे ऊपर पोल में जरूर से जरूर बताएं। तो होप करता हूँ कि वीडियो आपको हेल्प करेगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि प्रोडक्शन रिलेटेड न्यूज़ सबसे पहले अपने चैनल पर देते हैं। तो फाइनली बाय फ्रेंड्स।